गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन? यस, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। सी ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून। यू ऑल हैव टू विश योर टीचर एवरी डे। सी ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून टीचर। से यस गुड आफ्टरनून। सो आप लोग ने प्रेयर किए? यस, प्रेयर भी रोज आप लोग को करने का है। यस, दिस आर गुड हैबिट्स। रोज अपने लेक्चर के पहले आप लोग को प्रेयर करने है। यस यस, लास्ट लेक्चर ऑल्सो आई टोल्ड यू ऑल, फॉर योर नेशनल एंथम यू ऑल हैव टू स्टैंड, यू ऑल हैव टू स्टैंड एंड स्ट्रेट, हैंड्स डाउन, ओके। एंड फॉर प्रेयर यू ऑल हैव टू जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर्स। यस, ओके। सो वी आर स्टार्टिंग अवर लेक्चर, स्टोरी लेक्चर। यस, लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू दैट फॉर अवर क्लास टेस्ट वी आर हैविंग स्टोरी टिल अगेन ओनली फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ, हम लोग का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वही हम लोग का क्लास टेस्ट के लिए रहने वाला है। ओके, सो यू ऑल हैव टू लर्न योर स्टोरी टिल अगेन। जब भी आप लोग ये स्टोरी करेंगे उसके आगे भी हम लोग का हो चुका है, आज हम लोग देखेंगे ये भी, आगे का टू सेंटेंस भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू सी टू सेंटेंस ऑल्सो, बट बिफोर दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस अगेन। यस, बोर हो गए बार बार करने के लिए? नहीं ना, बार बार हम लोग करेंगे तो अच्छी तरह से हम लोग को ये याद हो जाएगी स्टोरी। हाँ, ओके। और जो बच्चे न्यूली ज्वाइंट है, अभी न्यू ज्वाइंट हो गए हैं, उनको ये स्टोरी स्टार्ट करने का है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहने का है। यस, ओके। एंड दोज़ हू आर नॉट हैविंग दिस बुक, यू कैन बाय इट फ्रॉम अवर स्कूल। यस, दोज़ हू आर नॉट हैविंग द बुक्स आर अवेलेबल इन स्कूल, जाके बुक्स लेने का है। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड स्टोरी फ्रॉम अवर वर्क बुक, पेज नंबर 56। यस, सो टू पैराग्राफ्स आई एम गोइंग टू रीड टुडे। एग्जाम के लिए एक ही पैराग्राफ है, लेकिन आज हम लोग टू पैराग्राफ करने वाले। यस, ओके। द शेपर्ड एंड द वुल्फ। देयर लिव्ड अ शेपर्ड बॉय इन अ स्मॉल विलेज बिसाइड अ फॉरेस्ट। एवरी डे ही वुड टेक हिज फ्लॉक ऑफ शीप टू ग्रेस। वन डे ही शाउटेड, "Help! Help! A wolf is here!" The villagers came running to help, but could not see any wolf. The boy began to laugh. The villagers were angry and warned him not to repeat this again. A few days later, the boy again shouted, "Help! Help! A wolf is here!" The villagers rushed to help. The boy again laughed at the villagers who left angrily. Angrily तक हम लोग का पहले लेक्चर में भी कम्प्लीट किया है हम लोग ने। हाँ, लेकिन ये क्लास टेस्ट के लिए हम लोग का वन ही पैराग्राफ है, तो हम लोग पहले वन पैराग्राफ भी देखेंगे और फिर नेक्स्ट लाइन्स। ओके, we are going to read from board. So first we are going to write date. What is today's date? 9th July. Okay, so the shepherd and the wolf, I am reading one word, main ek ek word read kar rahi hu, so aap log ko samajh mein aayega. There lived a shepherd boy in a small village beside a forest. Every day he would take his flock of sheep to graze. One day he shouted, "Help! Help! A wolf is here!" The villagers came running to help, but could not see any wolf. The boy began to laugh.
the villagers were angry and warned him not to repeat this again. So we are going to read it again. फिर से हम लोग एक बार रीड करेंगे, बाद में एक्शन के साथ हम लोग स्टोरी देखने वाले हैं. The shepherd and the wolf. There lived a shepherd boy in a small village beside a forest. Every day he would take his flock of sheep to graze. One day he shouted, "Help! Help! A wolf is here!" The villagers came running to help, but could not see any wolf. The boy began to laugh. The villagers were angry and warned him not to repeat this again. पहले अगेन तक हम लोग एक्शन के साथ स्टोरी देखेंगे, बाद में उसका नेक्स्ट पैराग्राफ यू आर गोइंग टू सी. ओके, यस. सो ऑल ऑफ यू स्टैंड, ऑल ऑफ यू स्टैंड अप एंड बी रेडी फॉर योर स्टोरी. ऑल आर रेडी? यस. नाउ से माय स्टोरी नेम इज द शेपर्ड एंड द वुल्फ. देयर लिव्ड अ शेपर्ड बॉय इन अ स्मॉल विलेज बिसाइड अ फॉरेस्ट. एवरी डे he would take his flock of sheep to graze. One day he shouted, "Help! Help! A wolf is here!" The villagers came running. To help, but could not see any wolf. The boy began to laugh. The villagers were angry and warned him not to repeat this again. अभी again तक, okay? उसका next line. A few days later, the boy again shouted, "Help! Help! A wolf is here!" The villagers rushed to help. The boy again laughed at the villagers who left angrily. Yes, फिर से वो second paragraph हम लोग करने वाले हैं. See, a few days later, the boy again shouted, "Help! Help! A wolf is here!" The villagers rush to help. The boy again laughed at the villagers who left angrily. The next paragraph. Okay? See, a few days later यानी कि कुछ दिनों के बाद, the boy again shouted, लड़का फिर से चिल्लाया, "Help! Help! A wolf is here!" बचाओ बचाओ, यहाँ पे भेड़िया है. The villagers rushed to help. गांव वाले फिर से आए उसकी मदद करने के लिए. The boy again laughed. लड़का फिर से हंसने लगा. किसके ऊपर? गांव वालों के ऊपर. और फिर वो गांव वाले वहां से गुस्सा होके चले गए. ओके, सो इसके लिए हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे और किसी के साथ मजाक नहीं करने का है. ओके, कभी भी झूठ बोलने का नहीं. यस, सो अगेन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस. ओके, स्टोरी से विद एक्शन. द शेपर्ड एंड द वुल्फ. द शेपर्ड एंड द वुल्फ. माय स्टोरी नेम इज द शेपर्ड एंड द wolf. There lived a shepherd boy. See all of you. There lived a shepherd boy in a small village beside a forest. Every day
he would take his flock of sheep to graze. One day he shouted, "Help! Help! A wolf is here!" The boy began to laugh. Okay? So again we are going to My story name is The Shepherd and the Wolf. There lived a shepherd boy in a small village beside a forest. Every day he would take his flock of sheep to graze. One day he shouted, "Help! Help! A wolf is here!" The villagers came running to help, but could not see any wolf. The boy began to laugh. The villagers were angry and warned him not to repeat this again. A few days later, the boy again shouted, "Help! Help! A wolf is here!" The villagers rushed to help. The boy again laughed at the villagers who left angrily. Yes? Okay, now again we are going to read one time and see, okay? Come on. The Shepherd and the Wolf. There lived a shepherd boy in a small village beside a forest. Every day he would take his flock of sheep to graze. One day he shouted, "Help! Help! A wolf is here!" The villagers came running to help, but could not see any wolf. The boy began to laugh. The villagers were angry and warned him not to repeat this again. After this paragraph, a few days later, the boy again shouted, "Help! Help! A wolf is here!" The villagers rushed to help. The boy again laughed at the villagers who left angrily. Yes, here second paragraph मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो बाद वाले स्टोरी लेक्चर में हम लोग दो पैराग्राफ देखेंगे. फिलहाल हम लोग पहले वन पैराग्राफ ही लर्न करने वाले हैं अच्छी तरह से. जिसका हो गए हैं वो और बार बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने का है. ओके, अगेन एंड अगेन यू अलाउ टू लर्न इट विद एक्शन. अच्छी तरह से वो स्टोरी आप लोग को आना चाहिए. यस, तो अच्छी मार्क्स मिलेगी आप लोग को. यू ऑल वांट नाइस मार्क्स. यस, इसलिए बार बार आप लोग को स्टोरी लर्न करने का है. एंड दो चिल्ड्रन, दो जो आर न्यू और उनको अभी तक ये स्टोरी आती नहीं है, वो अपना स्टोरी लर्न करने के लिए स्टार्ट करने का है. Yes, you have to learn your story and keep. Story also, poem, GK, conversation का जो 3 sentences मैंने पढ़ा है वो सब English और Maths का भी आप लोग को prepare करके रखने का है. और बहुत से बच्चे अभी तक homework नहीं send कर रहे हैं. Regular आप लोग को homework send करने का है English और Maths का. Yes, okay. So again one time विथ एक्शन. हाँ, एक्शन के साथ एक वन टाइम वी आर गोइंग टू से. कम ऑन, से माय स्टोरी नेम इज द शेपर्ड एंड द वुल्फ. देयर लिव्ड अ शेपर्ड बॉय इन अ स्मॉल विलेज बिसाइड अ फॉरेस्ट. एवरी डे ही वुड टेक हिज फ्लॉक ऑफ शीप टू ग्रेस. वन डे he shouted, "Help! Help!
is yum. The villagers came running to help, but could not see any wolf. The boy began to laugh. Okay? The villagers were angry and warned him not to repeat this again. A few days later, the boy again shouted, Help! A wolf is here. The villagers rushed to help. Okay? The boy again laughed at the villagers who left angrily. समझ में आया? अभी ये हम लोग का बहुत प्रैक्टिस हो गया है, बहुत हम लोग ने रिपीट किया है एक्शन के साथ भी, तो आप लोग को अच्छी तरह से वो आना चाहिए. यस, सो अभी तक नहीं आता है, सो यू ऑल कैन लर्न इट. जब तक हम लोग का क्लास टेस्ट है तब तक आप लोग लर्न करके रखने का है, तो अच्छी तरह से वो लर्न करने का है. यस, ओके. नाउ वी आर गोइंग टू एंड अवर लेक्चर. वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू राइट द टू पैराग्राफ्स. अभी एग्जाम के लिए एक ही पैराग्राफ है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टू पैराग्राफ्स करेंगे. हाँ, तो वो भी आप लोग का वो भी नेक्स्ट पैराग्राफ भी हो जाएगा. ओके, यस. नाउ वी आर एंडिंग दिस लेक्चर. वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन गुड बाय. स्टे होम, स्टे सेफ.